सारे दर्शकों ने मंजीत कोथकी राम राम। आज नरवाना में है और भाई है बहुत अच्छे कलाकार है, गाने बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, तो आपने सुने भी होंगे। कई बार ऐसी स्थिति है जो है गरीबी हो जो है, एक गरीबी न तो आदमी झेल भी ले, परिवार जिसका टूट जाए नहीं तो बड़ा दुख हो है। भाई है 6 सदस्य एकदम अचानक गए हैं, बेरा भी कौन लग गया, इतनी बड़ी विपदा में को निकलिया, इतनी बड़ी आपत्ति, इतनी बड़ी परेशानी आई है, तो सारी बातचीत करांगे कि 6 सदस्य एकदम अचानक किस तरह गए हैं। इतना टूट गया था भाई, देखो छोटी मोटी फेट तो हो जाए उठ भी ले, छोटी मोटी चोट हो जाए उसकी उठ ले, लेकिन इतनी बड़ी चोट आई है भाई पर, 6 सदस्य का जाना यार कोई छोटी बात नहीं है, तो बातचीत करांगे। सब तो पहले तो राम राम भाई। राम राम भाई। भाई साहब पहले तो अपना परिचय दे दे एक बार। मेरा नाम महबूब है, मेरा गाँव न्याणा है। न्याणा, न्याणा ही सारा तो रहा है। हाँ। खरड न्याणा है। हाँ, अच्छा तो किस तरह के आप इस लाइन में आए और कब से आए थे पहले ही बताओ। मैं हो गए भाई साहब 10-12 साल इस लाइन में आए। 10-12 साल 2010 9-10 से हूँ मैं इस लाइन में। 9-10 से तो अपना गाना आया था नहीं, वो कौन सा सन्मान था, कैसा लगे थे? मेरा पैगाम आखिरी आया था 2011 में। पैगाम। अरे जो यो रोवे नैन बेचारे, यो कब? 2013 में आया था। 2013 में। और जो आपके साथ ये ट्रेजरी हुई, जो आपका परिवार टूटा है, तो उसका बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि देखो 6 सदस्य का एकदम जाना किस तरह कुकुर के हुआ। ये भाई बस ये तो मालिक के करने हैं बस, और पता नहीं मैंने 2015 के बाद कोई 6 महीने में, कोई साल में, कोई 8 महीने में, कोई 9 महीने में इस तरीके से लगातार। थोड़ा डिटेल में बताओ किस तरह कुकुर के हुआ। पापा का शुगर थी, बुखार हुआ था, वो चले गए। अच्छा। फिर दीदी की दिल की वाल खराब थी, वो भी चली गई। कितने दिन के बाद है? वो बस यही कोई 1.5-2 साल बाद। अच्छा। फिर 8 महीने बाद भाई दिवाली के दिन हार्ट फेल हो गया उनका, गाड़ी चलाते चलाते हार्ट फेल हो गया। फिर एक दो बस यही एक से एक्सीडेंट हो गया गोवा, मम्मी उनके सदमे में चली गई। अच्छा। फिर एक भाई पिछले साल चला गया, वो कोरोना काल में, ये अप्रैल में कोरोना काल आई थी ना जो 21 में, उसमें वो सत्य सत्य रह गए। अच्छा। और जैसे 3 भाई गए हैं, एक विवे, एक मम्मी पापा, मम्मी पापा दो, ठीक है 6 सदस्य गए टोटल। जो परिवार है, परिवार में ये कौन कौन है? जो 3 भाई गए हैं उनकी शादी हो रही थी? दोवा की शादी हो रही थी, एक कुंवारा था। अच्छा, एक कुंवारा था। तो बच्चे के कुछ उन पे? एक भाई की गुड़िया है, वो मन्ना अपना रखी है। अच्छा। और एक भाई के 2 लड़के हैं तो वह भी मेरे, मतलब वह भी मेरे पास परिवार है। फिर लेकिन वह मेरे पल्ला लगा दिए थे एक भाई के घर वाले, और एक भाई है भाभी है, 2 बच्चे उसके। अच्छा। वह मेरे पास ही है, मतलब संयुक्त फैमिली है या अलग अलग है? नहीं, सारे ज्वाइंट में हैं हम सारे। छोटा भाई है, उसके घर वाली है, एक लड़का उसका, मैं हूँ, 3 गुड़िया मेरी हैं, भाई के 2 बच्चे हैं, 2 सिस्टर के बच्चे हैं, सारे मेरे पास ही। चलो भाई देखो बहुत दुखद घटना थी, या कम टाइम में 6 सदस्य का जाना बहुत बड़ी आपदा कहूँगा मैं दीदी। और अगर बात करें इसकी सिंगिंग लाइन की, आवाज़ इतनी सुरीली है, इतनी बड़ी आवाज़ में, मैंने गाना कई बार सुना हो, देखो तो सैड सॉन्ग है, कई बार मन कर भी सुनना कि इतना बढ़िया गाना था, उसकी 2-4 लाइन सुनना चाहते। मेरे रोए नैन बिचारे रे, मेरे रोए नैन बिचारे रे, तन दे दे दर्द दुहाइया का, तोके जाने बेदर्द के हो से दर्द जुदाइया का, तोके जाने बेदर्द के हो से दर्द जुदाइया का, मौत के सागर में डोले महबूब तेरे की कश्ती रे, गाम नियाने आके देख मेरी जल प्यार की बस्ती रे, बीच समंदर छोड़ गई तू, बीच समंदर छोड़ गई मन के बेरा गहराइयां का, तू के जाने वे दर्द के हो से दर्द जुदाइयां। बिल्कुल भाई, जुदाई इतनी है, परिवार की बात करा तो आज ना ईसा काम हो जाए है, जीवा तो आदमी है लेकिन वह जिंदगी धंधे, परिवार में तो 1 सदस्य चले जाओ है नहीं, तो जुदाई बहुत लंबी हो जाए है, और भाई ने तो सहन कर दिया है। तो भाई साहब किस तरह शुरुआत करी है अपने सिंगिंग लाइन मान के? मैं स्टार्टिंग में स्कूल में था, मेरा बचपन से ही शौक है गान का, तो मैं 3-4 साल का था, साल
5 साल का होगा, मैं जब से ही गाया उस टाइम में तबला खान एक पाकिस्तान के सिंगर है उनकी कैस्ट आई थी, मेरे डैडी लेके आए थे, वो लाहौर गए थे एक बार मेरे गांव के सरदारों के साथ, तो वहाँ से लेके आए थे वा मुंदरी दा थे वा सारी उम्र करांगे तेरी सेवा नहीं खा पाँच रहा। मैं वह सुना करता मैं गला गाने लग गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चले आगे तो सोनू निगम ने उनके गाने गाए, सोनू निगम सुना मैं बहुत ज़्यादा, मैंने पता नहीं था सिंगरों के नाम का नहीं पता था, लेकिन मैंने इतना पता था ये गाना इस बंदे का है। लेकिन फिर मैं चलता रहा, मैं गाया, मैं स्कूल में मास्टर ने सुनाया करता, फिर 26 जनवरी 15 अगस्त ने मैं पार्टिसिपेट करने लग गया। फिर एक बार, ज़्यादा बात मैं नहीं बोलूँगा, एक बार मास्टर सलीम का बहुत सवार हो गया, मैं पहला गाना सुना था मास्टर सलीम का, माही उन दियाँ जिन्हें सॉरी वो दिल मर जाने ने होया सजना, उसके बाद फिर मैं सारे गाने गाने लग गया था, उन्हें गाने गाने लग गया था। तो सिरसा में आए थे वो 2009 में मास्टर सलीम, हाँ, तो फिर मैं मेरे एग्ज़ाम भूल गया था, मैं मास्टर सलीम का प्रोग्राम देख रहा था, वो सफर वो साइकिल पेपर आया था उस टाइम, तो ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम मैं वो मेरे साइकिल वाले छोड़ के चला गया था और मास्टर सलीम तो मिला, फिर वो गाने की शुरुआत हुई मेरी, सुनाया मैंने उनसे, वो कहने लगे अच्छी बात है बेटा पहले पढ़ो, फिर मैं घर आ गया वापस। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हों रुचि बढ़ती रही, मैं बड़े बड़े मतलब स्टेज जब गाने लग गया थोड़े बहुत भाई कंपटीशनों में गाने लग गया, जब ही मैंने मजा मैंने मौका मिला मैं गाया, लेकिन वो बात है कि गाया तो मैंने रूह के लिए बढ़िया तरीके से, अपने सुकून के लिए गाया है, अपने अपने लिए ही गाया मैंने भाई, मतलब मेरी रूह ने सुकून मिलना चाहिए, मेरी मेरी कैपेसिटी यही है भाई, सैड सॉन्ग हो गए मतलब बचपन से ही मैं सैड सॉन्ग सुनता हूँ, मेरा रुचि सैड में ही होगी, अच्छे गाने हैं सारे, अच्छा जो उनके अंदर वर्डिंग होती है ना वो एक दिल और दिमाग से सुने ना बंदा खो जाता है भाई वो कहाँ गया। एक गायक ने लिखी है, हो गए गैर के वो मुझे छोड़ के, मेरी किस्मत में उनकी मोहब्बत ना थी, उम्र भर उनको आंसू मनाते रहे, उनकी नजरों में अश्कों की कीमत ना थी, ऐसी ऐसी लिखी है लिखने वालों ने कि भूल जाते हैं आजकल वाले राइटर, क्या है ये गबड़ समझा रखी आजकल ने, कदे की मैं ले आऊंगा कदे तेरा वो ले आऊंगा कदे, मतलब संस्कृति के साथ खिलवाड़ भी कर रखा है लोगों ने, पता नहीं है बेच का फलानी चीज ले आऊंगा चलता रहा है मैं बनूंगा भाई साहब, अपना ठीक है अपना दाल रोटी चल रहा है मालिक की कृपा से। देखो आपका एक सॉन्ग आया था जो 70 लाख के करीब पहुंचा था, हाँ हाँ जो 70 लाख के करीब पहुंच गया था, एक बार फिर दूसरे चैनल पर डाले उसमें ज्यादा रिस्पांस नहीं आया, नहीं तो यो मेरा नैन बिचारे लिखूं यूट्यूब पे कोई भी तो कही चैनल आप आवा ही, अच्छा किसी ने आप डाल कहिया ने डाल रखे हो किसी ने, या तो उसका चैनल अलग के साथ उसकी कोई सेटिंग होगी उनकी इस करके डाल रखा है, तो मन कोई मन ज्यादा रिस्पांस भी को नहीं मिला इस गाने से, मतलब मेरे नाम हुआ इस गाने से मेरी पहचान बनी है, मतलब कोई सिस्टम नहीं बना अपना इससे, कुछ आमदनी नहीं हुई नहीं नहीं, वो तो जिन्होंने रिलीज किया चैनल वाला ने उनका आमदनी हुई है, या फिर किसी ने बेचा उसका वीडियो करके उनका आमदनी हुआ, मेरे तो घर तो लग गए थे उस टाइम, अच्छा घर तो लग गए थे आपका कोई आमदनी नहीं, तो उस टाइम 15,000 रुपये लिए थे ऑडियो के राजू पंजाबी ने, अच्छा उस टाइम यही रेट था उस टाइम, तो अब तो राजू जी बहुत ही अच्छी चीज है, अच्छा अच्छा राजू पंजाबी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद और कितने सॉन्ग आ लिए, मेरा पैगाम आखिरी 20 से भी अच्छा बजा था, हाँ। सफर आखिरी मेरा पैगाम आखिरी तो बहुत अच्छा बजा था, सैड सॉन्ग है सारे सारे, मेरा पढ़ के ने रोवेगी पैगाम आखिरी, तेरे शहर ने मकर चला सलाम आखिरी, मेरा बहुत अच्छा चला था वो गाना, की मन में होए सैड सॉन्ग सारे, सैड सॉन्ग नहीं है यार, एक जो मैं आज के जनरेशन में जो गाने चल रहे नहीं मैं सुनता नहीं, कोई मैंने कहा नहीं वो गाना नया चल रहा है सुनाइए, मन को नहीं याद, मन फरमाइश भी मैं किसी की पूरी नहीं कर सकता, हाँ कोई कहते नहीं पुराने गाने हैं भाई ये सुना मैं वो, तो मेरे झट से क्योंकि मैं वो दिल दिमाग से सुने सारे, और मतलब मेरे रोम रोम में बैठे वो गाने, और उनकी जो लिखने वाले ने अपनी यानी सारी मेहनत तो मतलब उसने पता नहीं सोच सोच के लिखा है, एक गज़ल है कच्ची दीवार हूँ ठोकर ना लगाना मुझको, अपनी नज़रों में बसा के ना गिराना मुझको, तो आजकल वाले राइटरों पे लिखवा दे ऐसी मैं मान जूंगा लिख ही नहीं सकते, उनकी चुरा के तो बेसंग लिख दो कोई वर्डिंग कॉपी कर देंगे, उसके अंदर एक बात है ख्वाब पूरा जो ना हो वो ना दिखाना मुझको, के वादा उतना ही करो जितना निभा सकते हो, ख्वाब पूरा जो ना हो वो ना दिखाना मुझको, उसकी पहर छोटी है लेकिन इसमें बात कितनी बड़ी बोली बंदे, बिल्कुल तो मतलब ये मतलब लिखाई की पहर छोटी है के वादा उतना ही करो जितना निभा सकते हो,
ख्वाब पूरा जो ना हो वो ना दिखाना मुझको, अपनी नजरों में बसा के ना गिराना मुझको, कच्ची दीवार हूँ ठोकर ना लगाना मुझको। मतलब उसने कितनी बड़ी बात बोल दी गायकी के हिसाब से भी, लिखने के हिसाब, मतलब वो एक जहन में उतराने वाली बात है। जिन बंदों ने वो दिमाग दिल दिमाग से सुन ली ना, उन्होंने कुछ अच्छा नहीं लगता फिर, कौन दुनिया है, कौन पैसा है, कौन रुतबा, कौन गाड़ी घोड़े वाला, कोई नहीं। वो मस्त रहते अपने फकीरी लिबास में, यही बात है। और आशिकाना मजाज भी होता है बंदे का किसी उम्र में वो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर किस तरह चल रहे हो आप? देखो आपने कुछ मिला भी नहीं, इतना गाना भी चल रहा, खूब चल रहा। मेरे मतलब आप बरगे भाई बैठे हैं, स्टेज प्रोग्राम होते रहते हैं, चाहे मेरी छोटी महफिल है जो मेरी सूफियाना महफिल है, चाहे महीने में दो लगो, तीन लगो, एक लगो, उसमें यही अपना ठीक खर्चा पानी चल रहे हैं। हाँ यही चल रहा है। अपने मालिक से मांगा भी यही है, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने सुकून भरी जिंदगी चाहिए। मेरा मालिक मैंने दो टाइम की रोटी सुतरी दे रहा है, बढ़िया है, इज्जत से खवा रहा है। लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा कि भाई संगीत के मामले ने मेरे तक ये खिलवाड़ को नहीं आती। मैं एक रूहदारी सुनने वाला बंदा हूँ, मैं गान वाला अच्छा नहीं, मैं सुनने वाला अच्छा हूँ। मुझे इतना अपने ऊपर गर्व है कि भाई मैं एक सुनता अच्छा हूँ, मैं सरोता अच्छा हूँ, मैं गायक अच्छा नहीं। बिल्कुल। और ये कौन सा गाना होगा आपका, कोई आ रहा होगा? मेरा भी गाना है गजापति फिल्म में है, वो है मेहंदी वाले हाथ। मेहंदी वाले हाथ जो गजापति फिल्म है चैनल पर आएगा? हाँ हाँ हाँ, उसमें मेहंदी वाले हाथ आएगा। और अभी नचावे तेरा इश्क इश्क आएगा। कौन है इसमें, कितने लोगों ने काम किया है फिलहाल? इसमें अनिल भाई साहब हैं, गजापति फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, जो निर्देशक निर्माता वही हैं, और एक रेखा यादव है, सिंगर मैं ही हूँ, बाकी पूरी टीम होती है। टीम तो कब रिलीज होगा, कब आओगे सॉन्ग? नेक्स्ट मंथ आएगा ये, अभी वीडियो के साथ में आएगा। वीडियो के साथ में। अच्छा, तो ऑडियो वगैरह इसकी कुछ है? ऑडियो वगैरह तो रिलीज शायद नहीं हुई है इसकी ऑडियो, मेहंदी वाले हाथ की तो ऑडियो रिलीज हो रही है। अच्छा, ऑडियो रिलीज हो रही है। अच्छा, के लक्ष्य लेकर चल रहे आप, किस तरह की? मैं तो मेरा लक्ष्य तो यही था भाई, देखो हर कोई चाहता है कि मेरी मंजिल वो हो। भाई मैं तो मालिक से कहता हूँ ना, मैं ना स्टार बनना, मेरा नाम महबूब है, तो लोग मैंने देखा तो एक महबूब की नज़र से ही देखे, ताकि ये पता लगे कि वो महबूब है। बिल्कुल। और मैंने वो कोनी खटक बाउंसर वो 25 गल्ले गाड़ी घोड़ा ना, जो मालिक ने वो लिख रखे है ना, तो 10 साल बाद भी दे देगा मैंने। मेरे कर्म में जो अगर गाड़ी घोड़े बंगले कार कोठी है ना, तो 10 साल में भी दे देगा। अगर मेरे पास मेरे नहीं लिख रखे तो चाहे मेरे पास भी हो वो चले जाएंगे। मैंने तो एक महबूब बनना है, यानी मेहनत करनी है। मैंने कोई वो नहीं बनना, मैंने तो एक महबूब बनना है बस। मेरा नाम महबूब है ना, तो मैं मालिक से ही दुआ करता हूँ कि मैंने अगर कुछ मेरी सुनता है ना, तो मैंने सच्चे मुच्चे का एक महबूब बना दो लोग, ताकि देखे तो एक महबूब की नज़र से देखे। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो महबूब है। बिल्कुल ठीक। और कया करे नहीं आए थे एक छोटा सा बैग लेकर किसी शहर में, अरे लोगों की दुआएं लेकर जा रहे हैं, बस बस ये है। तो यही कमाना है, तो आपका लक्ष्य है महबूब बनने का। तो और कुछ सोचो आपने, कुछ नाम भी, फेम भी, पैसा भी, कुछ इस तरह का कुछ? देखो ये तो एक नाम, या फिर एक महबूब तक ही सीमित रहोगे? ये तो देखो एक नाम फेम बढ़ने के बाद ऑटोमेटिक आ जाता है, कोई बात नहीं। नाम चलने के बाद मैंने कई सिंगर देखे जिनकी दुर्दशा हुई है, और लास्ट में बुढ़ापा में जाके उनकी चमकी है। कई कई एक्टर देखे हैं मैं, बॉम्बे के लगा लो बब्बल हरियाणी शायद, उन्होंने 3D फिल्म में जाके काम मिला, वो जमा बुजुर्गी हो रही थी उस टाइम, बदला स्ट्रगल करना पड़ता है इस लाइन में। और कंपटीशन इतना हो गया कि आजकल सब कुछ पैसे वालों का है। बिल्कुल है। हाँ, चाहे कला हो चाहे कुछ भी हो, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। और है? अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आपका परिवार सपोर्ट्स करे इसमें? देखो मेरा परिवार ने तो, जैसा देखो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कोई वह बात नहीं है, लेकिन मेरे परिवार वालों ने कभी कोई बाधा नहीं डाली इसमें। भाई तो क्या करे, तो कोई और काम सीख लेना, उन्होंने यही कहा कि भाई ठीक है तेरी रुचि कर दे, हमने कोई बेरा चल गया तो ठीक, से नहीं चलेगा दुखी पाओगा कि काम नहीं तेरे पे बनता कुछ। और फिर यही बात है कलाकारों का, गात रही सोचे शरीर भी, मतलब वो कुछ काम कर नहीं सकते फिर। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे आखिरी में? भाई यही है भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है भाई। कोई आपका खुद का चैनल भी है? मेरा खुद का चैनल है महबूब रंजा दरवेश साइया, अभी नया बनाया है। मैं भूल रहा हूँ खुद ही मेरा चैनल। अच्छा चलो भाई, जो चैनल है नहीं, चैनल का लिंक, तो जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप ओडा जाके और भाई ने सपोर्ट करियो। एक गरीब परिवार तो है, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लग रहा है। और देखो पहला गाना भी गाने करे हैं, कुछ नहीं मिला, बिल्कुल जीरो बताने लग रहा, खुद दौड़ते पीछे लाए हैं। तो
तो आपके विचार हैं एक सब्बे कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।